हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं मुझे रिटर्न ऑफ डेविल के एक न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को वही मॉन्स्टर का सीन दिखा दे, वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और बोल रहा था ब्लड फ्रेश फ्लेश मैन डेंजर, ऐसा कुछ अजीब अजीब बड़बड़ा रहा होता है। लिंडा उससे पूछती है कि आखिर ये है क्या। ये बताता है कि एक इंसान है जो कि मुझे नहीं लगता कि अब इंसान कहलाने के लायक है क्योंकि इसकी आवाज़ सुनकर कुछ अजीब लग रहा है। कि वो मॉन्स्टर को दिखाते हैं वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए बहुत सारे मैजिकल अटैक उन सबके ऊपर कर देता है। यूज होता है अपने हाथ से फॉर्मेशन बनाता है, बोलता है कि तुम दोनों मेरे पीछे छिप जाओ और उसके जितनी भी अटैक होते हैं उन सबको वहीं पे रोक लेता है। और वो जो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जहाँ पे भी पटकाता है वहाँ की फर्श को और ज़मीन को तोड़ देता है और वो मॉन्स्टर उन पर लगातार अटैक पटैक कर रहा होता है। ये बोलता है ये इसका जो बॉडी इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ पावर को अपने अंदर कंटेन नहीं कर सकता और मुझे लगता है ये जल्दी फटने वाला टूटने वाला है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी बोल रहा होता है ब्लड स्ट्रेंथ वो मतलब बड़बड़ा रहा होता है। ये बोलता है कि मुझे लगता है कि इसको अब हम बचा नहीं सकते, चलो ठीक है इस फाइट को जल्दी से ख़त्म करते हैं। और साथ ही वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। ये बोलता है कि सॉरी पर अब मैं तुम्हें वापस से ह्यूमन में चेंज नहीं कर सकता क्योंकि अब तुम यहाँ पे मरने वाले, इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि तुम्हें कम से कम पेन यानी दर्द हो। साथ ही यूज होता है बोलता है कि हेल फायर और अपनी हेल फायर वाली एनर्जी को रिलीज करते उस मॉन्स्टर की पर मारता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और उसको पेन हो रहा होता है क्योंकि वो मरने वाला होता है। फाइनली वो मॉन्स्टर जो होता है वहाँ से डिस्टिंग्विश हो जाता है और उसके अंदर से उसका दोस्त यानी लैन का जो फ्रेंड होता है कैसियस वो निकलने लगता है। और वो वहाँ पे दिखाते हैं उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा खत्म हो गई होती है और ये देख के जितने भी बंदे होते हैं यू लिंडा और वो लैन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लिंडा बोलती है ये तो एक बच्चा है, लेकिन लैन चिल्ला रही होती है ये तो कैसियस है कैसियस, और चिल्लाते हुए उसकी तरफ कैसियस की तरफ बढ़ जाती है। बोलती है कि जाग जरूर जाओ जाओ जाइए, मैं हूँ लैन, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो बच्चा बोलता है कि लैन, वो कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं होती कि वो कुछ बोल सके। लैन उसको बोलती है कि बताओ बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बन गए, प्लीज़ मुझे बताओ। लेकिन वो बच्चा बोलता है यहाँ से भाग जाओ और साथ ही वो वहाँ से हवा बन के उड़ जाता है, मतलब वो फाइनली पूरी तरह कंप्लीटली मर जाता है। वो लड़का जो होता है लैन अभी भी रो रहा था, बोल रहा था कैसियस कैसियस, वहाँ पे यू आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग तो बन गया लेकिन उसने अपनी जान गवा दी। मैं तुम्हें बता दूं कि इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बनने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, अगर तुम भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करोगे शॉर्टकट तरीके से तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो कि तुम्हारे फ्रेंड का हुआ, तुम भी जान से चली जाओगी। अगर मुझे इन सब के बारे में पहले पता होता तो शायद मैं लैन को मतलब कि अपने दोस्त कैसे से इसको बचा सकती। लिंडा उससे बोलती लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थी कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुए कि तुम यहाँ पे आके अपने आप को पावरफुल बना सको, वरना तुम भी इसके जगह इस एक मॉन्स्टर बन जाती। यू बताता है कि चलो ठीक है हम लोग को सबसे पहले और बच्चों को इन सबसे रोकना होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो काइल और बच्चों को अपना विक्टिम बना लेगा। साथ ही वो लोग जो होते अंदर की तरफ जाने लगते, तभी यू को कुछ अजीब फील होता है, बोलता है रुक जाओ हम लोग यहाँ पे लगता है लेट हो गए। वहाँ पे दिखाते एक फाइट हुई होती हो और वहाँ पे दिखाते एक डिस्ट्रॉयड मैजिक सर्कल होता है, मैजिक फॉर्मेशन होता है और वहाँ फायर के जले हुए निशान भी होते हैं। यू बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ पे मिस्कीर और कायल के बीच एक फाइट भी हुई होगी। लिंडा बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ अजीब फील अजीब स्मेल हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफायर हुई होगी। साथ ही लैन जो होती आगे जाती बोलती ब्रदर यू यहाँ पे कुछ है, और मुझे लगता है कि उन लोग के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो लोग इस चीज़ को यहाँ से ले जा सके। साथ ही वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर बहुत सारे हीरे और जेवरात होते हैं। ये देख के यू बोलता है ये तो क्रिस्टल और ज्वेलरीज है। लिंडा बताती है कि रुक जा ब्रदर यू, मैंने इन सब ज्वेलरीज को पहले कहीं देखा है। यू बोलता है क्या तुमने ये सब कहाँ देखा है। लिंडा क्या तुम मुझे बता सकती हो और तुम इन सब ज्वेलरीज के बारे में क्या जानती हो। लिंडा बताती है अगर मैं सही मतलब गलत नहीं हूँ तो मैं आपको ये बता दूँ कि इन सब के बारे में मैं जानती हूँ, ये जो ज्वेलरी है इसको मास्टर ऑफ माई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बनाया है और मैं यहाँ पे मतलब कि जब यहाँ पे किंग्स किंगडम में आई थी वो इसी चीज़ की वजह से आई थी क्योंकि रॉयल फैमिली के जो है किंग्स किंगडम में उन्होंने हमें ये क्रिस्टल बनाने का ऑर्डर दिया था। ये बोलता है कि क्या ये जो ज्वेलर से वो सच में तुम्हें रॉयल फैमिली के किंग्स किंगडम से ऑर्डर में मिले थे। लिंडा बोलती है कि हाँ ये ऐसी बात है, ये जो है ड्रीम क्रिस्टल है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग ज्वेलर्स को बनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम होती है और इसके अंदर ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है और इसमें नॉन एट्रीब्यूट मैजिक पावर भी होता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये एक वैसल वैसल होता है जिसको फैमिली रॉयल फैमिली वाले यूज करते हैं। ये बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब एक काइल जो है वो किसी न किसी तरह रॉयल फैमिली से कनेक्टेड है जो कि किंग्स किंगडम का रॉयल फैमिली है। लिंडा बोलती है कि हाँ मुझे तो लगता है लेकिन इस बात से मुझे और काफ़ी ज़्यादा डर लगता है सोच के। ये बोलता है चलो ठीक है, वैसे भी हम लोग इस सीन को देख चुके हैं, इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो उस काइल को अभी तक पकड़ नहीं पाई होगी और काइल का रॉयल फैमिली से भी कनेक्शन है तो अभी हमें और ज़्यादा सतर्क रहना होगा। ये बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी तक काइल जो है वो रॉयल फैमिली से कनेक्टेड है तो उधर ही पैलेस में कहीं होगा। लिंडा उसे बोलती है कि ब्रदर यू अगर आप चाहते हो तो मैं आपको रॉयल पैलेस में एंट्री दिला सकती हूँ, क्या आप वहाँ पे जाना चाहते हो। अगर आपको वहाँ पे जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक वीमेन का ड्रेस पहना होगा यानी कि लड़की बनना होगा। यू
बोलता है तुम्हारे इन सबसे क्या मतलब है। साथ ही में नेक्स्ट सीन रात का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे एक रूम होता है, वहाँ पे जो उन लोग का रिसेप्शनिस्ट होता है वो बोलता है कि गेस्ट आप वापस आ गए, क्या आपको सर्व डिनर चाहिए, लेकिन वो बोलती है नहीं हम मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही वो अपने रूम के पास चली जाती है, अपने रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर की तरफ चली जाती है और खास रही होती है क्योंकि उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। और कोई नहीं मिसकिर होती है, मिसकिर बोलती है कि फाइनली वो फिर से मेरे हाथ से निकल गया, हिल फिर थोड़ा सा और वेट करो, मैं तुम्हें डेफिनेटली अनसील कर दूँगी, तुम्हें वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले आऊँगे। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाते लिंडा जो थी यू का मेकअप कर रही थी, बोलती कि ब्रदर यू हिलना मत ये होने वाला है, ये होने वाला है। यू बोलता है क्या ये सब सच में इतना ज़्यादा नेसेसरी है, लिंडा बोलती है कि हाँ ब्रदर यू काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, क्या आप नहीं चाहते कि हम लोग सेफ तरीके से उस रॉयल पैलेस में अंदर जाएँ जिससे कि हमें कोई भी नहीं पहचाने, ये वैसे भी हो गया और आप मेरा ये काम देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे यार, एकदम लड़की भी लग रही हो। साथ ही वो आईना जो होती है यू के सामने करती है तो यू को दिखाते हैं वो सच में एक लड़की लग रही होती है। यू बोलता है कि मुझे थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है लेकिन फिर भी चलेगा। लिंडा बोलते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है ब्रदर यू, आप तो अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले आओ तो मेरा जो मेकअप है वो और ज़्यादा मतलब कि उभरेगा और उसकी वजह से कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा, क्या मैंने सही बोला ना। लैन उसे बोलती है कि हाँ ये एकदम परफेक्ट है और इस तरह से तो मुझे पता भी नहीं चल रहा कि आप ब्रदर यू हो या सिस्टर यू हो। लेकिन उन लोगों ने साथ में लैन का भी मेकअप कर दिया होता है लिंडा ने, और लैन जो हो रहा था बोल रहा था कि लेकिन मुझे भी साथ में जाना क्यों जरूरी है, मुझे लड़की क्यों बना दिया। लिंडा उसे बताती है कि तुम मेरे एक कर्जदार हो और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, अगर हम लोग ने कहीं ये मतलब कि पाया कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो और तुम यहां से भागना चाहते हो तो हम लोग तुम्हारा वो हाल करेंगे जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। बोलते अच्छा इसका मतलब तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे इंसान हो, मुझे छोड़ना भी नहीं चाहते। लिंडा बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया, चलो हम लोग वहाँ पर जाते। बोलता है कि मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें तुम्हारी कोई चाल है लिंडा, मिस लिंडा। साथ ही में किंग्स पैलेस का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे वो लोग जो थे गेट के पास आ जाते हैं और गेट पर उन लोग को चेक कर रहा था, बोलता है कि तुम लोग मेड हो जो कि इस फेस्टिवल के रिक्रूट करे गए हो। वो बताता है मतलब कि जो गार्ड होता है उन सबसे पूछता है तुम्हारे इस पेपर के अंदर लॉर्ड एल्स का एक सील लगा हुआ जिससे कि ये पता चलता है कि तुम लोग यहाँ पे जा सकते हो, चलो ठीक है तुम लोग अंदर चले जाओ। लिंडा उसको बोलती है थैंक यू ब्रदर गार्ड। साथ ही वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं। यू जो होता है उसे धीरे से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये हाउसकीपर का सील कहाँ से मिला। लिंडा उसे बताती है कि पैसे की मदद से, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी वो गार्ड जो होता है बोलता है कि तुम तीनों थोड़े एक मिनट के लिए रुक सकते। यू बोलता है क्या ये जो सील था वो फेक था, इसने हमें रोका क्यों। लिंडा उसे पूछती है कि ब्रदर गार्ड आखिर क्या हुआ, कोई मसला है क्या। वो गार्ड बोलता है कि नहीं तुम मतलब वो यू को बोल रहा था कि मैं देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो, मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, और वैसे भी तुम मेरी मतलब फर्स्ट लव की तरह दिखती हो तो क्या हम लोग साथ में एक डेट कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है लेकिन यू जो होता है काफ़ी गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, बोलता है क्या तुम्हारा इन सबसे क्या मतलब है। लेकिन लिंडा उसको रोक देती, बोलती है सिस्टर यू रुक जाओ आपको इन जैसे लोगों को पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और जो हेड मेड होती है, हेड खाना बनाने वाली होती है, वो वहाँ पे आ जाती, बोलती कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो। यू उसकी तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। साथ ही वहाँ पे जो गार्ड होता बोलता है कि सॉरी मिस मुझे लगता है मुझे अपने ड्यूटी में वापस जाना चाहिए। वो दौड़ते हुए अपनी ड्यूटी में वापस चला जाता है। वो जो हेड गार्ड होती हेड मेड होती है बोलती कि क्या तुम लोग वही मेड हो जिसको मिस्टर एल्स ने रिकमेंड किया था। मिस लिंडा बोलती कि हाँ हम लोग वही। साथ ही बोलती कि चलो ठीक है मैं यूरी हूँ, मैं इस जो रॉयल पैलेस की हेड मेड हूँ और तुम लोग मेरे साथ काम करोगे। लिंडा बोलती है चलो ठीक है हम लोग यहाँ से बच गए। यू बोलता है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा लकी था, गार्ड काफ़ी ज़्यादा लकी था, वरना वो आज मेरे हाथों से मर जाता। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड था ये एपिसोड यहाँ भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वो लोग अंदर जाके क्या खुराफात बचाते हैं। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा।